किसकी सरकार चाहते हैं झारखंड में? बीजेपी का। बीजेपी का है? हेमंत सोरेन काम नहीं किया है? कारण बता रहे कि आपका जो मैया योजना कर दिया सबसे कोढ़िया वाला काम कर दिया, वही रोजगार दे देता है। हाँ। तो आदमी का अच्छा घर द्वार सब चलता है। अच्छा, हेमंत सोरेन के काम से खुश है? नहीं, हम लोग नहीं खुश हैं। काहे खुश नहीं है? काहे खुश रहेंगे, ने कोई चीज सस्ता हुआ है, हर चीज महंगाई बढ़ते जा रहा है। जब इलेक्शन के टाइम आया था, या अबुआ आवास निकाल रहा है तो बालू फ्री कर रहा है। हाँ। तो मैया योजना निकाल रहा है, तो इससे थोड़ी होगा। हेमंत सोरेन का एकाध को काम अच्छा लगा हो जो 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं? तो बाद में किया है, दूसरे का देखा, देखो जैसे पंजाब में कर दिया। हाँ। तब किया, और 4.5 साल पहले कहा नहीं किया था? अच्छा। गरीबी आदमी को कर देता कुछ तो राहत आता है ना, इलेक्शन में कुछ भी कर सकता, कुछ भी लुटा सकता। 1000 रुपया दे रहे हैं खटाखट दीदी हेमंत सोरेन जी, उससे क्या होगा? उससे अच्छा कि महंगाई कम करे और रोजगार दे। अच्छा। कि अपने से सब भरपाई हो जाए, उनको देने की जरूरत नहीं। किसका सरकार चाहते हैं अभी चुनाव में? एक महीना में चट मंग निपट भी आज ऐसा हो गया है? आप बता रहे हैं भैया, वो तो समय बताएगा। हम लोग तो इरादा है कि लगता है बीजेपी का सरकार होना चाहिए। बीजेपी का सरकार होना चाहिए। बीजेपी सरकार। माँ बाप पढ़ाता है, कोई चीज जब एग्जाम आता है तो पेपर लीक हो जाता है, बाल बच्चा का, लड़का लड़की का पूरा पढ़ा बेरा चल जाता है। हेमंत सोरेन बोल रहे हैं अबुआ आवास दे रहे हैं, मैया योजना दे रहे हैं, सर्वजन पेंशन दे रहे हैं। 2 महीना में क्या होगा? 2 महीने में 1000 में आपका जीवन चल पाएगा? हेमंत सोरेन के कार्यकाल से कितना खुश है आप? हम तो खुश नहीं है। खुश नहीं है। अब इस बार आप किसकी सरकार चाहते हैं झारखंड में? बीजेपी की कांग्रेस की या जेएमएम की? बीजेपी की सरकार चाहते हैं। मांडू में आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? जिसका टिकट मिल जाए बीजेपी का उसी का देखेंगे। 1000 रुपया घर में मैया बहनिया के मिले थे? 1000 टका हम लोग को नहीं मिलता है। अबुआ आवास मिल लो? नहीं, नहीं मिल लो। और कल्पना सोरेन कह रही कि हम लोग बहुत महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। उनको कहने से क्या होगा? उनको कहने से हमको पर का भीतर हम न जानेंगे। वो अभी उनको लेना है वोट, तो कुछ भी बता सकती है, कुछ भी बोल सकती है वो। हेमंत सोरेन के कार्यकाल को 5 वर्ष पूरा हो गया, कैसा लगा उनका कामकाज? उसका काम काज काज तो अधूरा लगा। अधूरा लगा। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, 13 और 20 नवंबर को 2 चरण में मतदान होना है और 23 नवंबर को रिजल्ट भी आ जाएगा। सभी पार्टियां जोरों शोर से तैयारियों में लग गई हैं। संभवतः आज या कल बीजेपी के कैंडिडेट्स की लिस्ट भी जारी हो जाएगी और इंडिया गठबंधन से भी मुझे लगता है कि 19 तारीख को कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी। हेमंत सरकार मैया योजना के सहारे, अबुआ योजना के सहारे सरकार बनाने को तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है हेमंत सोरेन से कि बेरोजगारी भत्ता 5000-7000 रुपया मिला क्या? युवाओं को 5 लाख रोजगार मिला का? आधार कार्ड पर 50000 रुपया लोन मिला का? इस प्रकार की तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो हम लोग ग्राउंड में है, वैसे तो भौकाल टीवी सालों भर ग्राउंड में ही रहता है। कुछ दीदी लोग हैं, इनसे बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि चुनावी माहौल क्या है। आपको बता दें कि अभी हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर के मांडू विधानसभा में हैं और मांडू विधानसभा का क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, वो जानने का प्रयास करते हैं। आपको बता दें कि मांडू सीट से जो है आजसू के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, तिवारी महतो जी आधिकारिक तौर पर अनाउंस होना बाकी है। आइए बात करते हैं। जोहार दीदी, क्या नाम हुआ? अनीता देवी। चुनाव आ गया है, पता है ना? हाँ, पता है। हेमंत सोरेन के काम से कितना खुश है? कितना खुश है? हाँ। कुछ खुश नहीं है। 1000 रुपया दे रहे हैं खटाखट दीदी हेमंत सोरेन जी, उससे क्या होगा? उससे अच्छा कि महंगाई कम करे और रोजगार दे। अच्छा। कि अपने से सब भरपाई हो जाए, उनको देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, मतलब आपके बाल बच्चा को रोजगार चाहिए? हाँ, रोजगार। 1000 रुपया नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अच्छा, तो हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन, वो तो कह रही है कि महिलाओं को हम बड़ी सम्मान दे रहे हैं। कोई से किसी का कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। तो अब इस बार आप किसकी सरकार चाहते हैं झारखंड में? बीजेपी की कांग्रेस की या जेएमएम की? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार चाहते हैं। चलिए, बीजेपी की सरकार चाहते हैं। जोहार दीदी, का नाम हुआ? मीना देवी। मांडू में है हम लोग, किसको जितवा रही है इस बार यहाँ? देखिए, ये तो समय बताएगा किसको जिताना ना जिताना है। सो अच्छा, हेमंत सोरेन के काम से खुश है? नहीं, हम लोग नहीं खुश हैं। काहे खुश नहीं है? काहे खुश रहेंगे, ने कोई चीज सस्ता हुआ है, हर चीज महंगाई बढ़ते जा रहा है। जब इलेक्शन के टाइम आया था, या अबुआ आवास निकाल रहा है तो बालू फ्री कर रहा है। हाँ।
तो मैया योजना निकाल रहा है, तो इससे थोड़ी होगा। इतना 5 साल से कहाँ थे वो, 5 साल में बेरोजगार पढ़ लिख के सब बैठा हुआ है। और मानिए चलिए कि आदमी माँ बाप पढ़ाता है, कोई चीज़ जब एग्जाम आता है तो पेपर लीक हो जाता है, बाल बच्चा का लड़का लड़की का पूरा पढ़ाई बेरा चल जाता है। माँ बाप बहुत मेहनत से पढ़ाता है, जूठा धो के कोई कर्म करके वो पढ़ा रहा है, मेहनत करके पढ़ा रहा है, कोई रोजगार नहीं दिया मांडू में। हम लोग बेरोजगार के है, इतना महंगाई में कमाते हैं तो खाते हैं, तो बाल बच्चा पढ़ाएंगे कि हम लोग कमाएंगे कि अपना बाल बच्चा पोसेंगे, और कि इतना महंगाई खाएंगे कि बाल बच्चा प्रति रुपया पढ़ा। कह रहे हेमंत सोरेन की 1000 रुपया दे रहे हैं, उससे तो महिलाओं को सहायता मिल ही रहा है। 1000 में क्या होता आजकल? हाँ। उस सस्ता कर दे वही वाला। हाँ। वही वाला 1000 हम लोग रुपया नहीं चाहिए, हम लोग का सस्ता चाहिए हर समय। अच्छा। हर चीज सस्ता होना चाहिए। अच्छा। हाँ सस्ता होना चाहिए और रोजगार चाहिए। हाँ रोजगार चाहिए। हाँ, हाँ। देखिए अथी में निकालते हैं, कौशल विभाग में निकालते हैं। हाँ। बच्ची दे दी ट्रेनिंग। हाँ। वहाँ लेके जाता है। हाँ। कि नहीं ऐसा हम नौकरी देंगे, दिया देंगे, हुआ देंगे। हाँ। और वहाँ देने के बाद तक कुछ नहीं। अच्छा, कौशल विभाग में जो ट्रेनिंग करा के ये जो नियुक्ति पत्र बांटते हैं कि हम लोग नौकरी दे रहे हैं, उसमें नहीं होता है? नहीं होता है। हाँ? होता है बॉम्बे है, दिल्ली है, तो बनारस थोड़ी उतना दूध बच्ची जाएगी। बच्ची है तो लोग ले रांची हुआ, फलना वहाँ, हजारीबाग हुआ, धनबाद हुआ, इधर देगी तब ने देंगे तब ने। आप देते ऐसा ऐसा काम दे देते हैं तो बच्ची वैसा काम थोड़ी करेगी। अच्छा, तो किसका सरकार चाहते हैं अभी चुनाव में? 1 महीना में चट मंगनी पट ब्याज ऐसा हो गया है, आप बता रहे हैं भैया, वो तो समय बताएगा। हम लोग तो इरादा है। हाँ। कि लगता है बीजेपी का सरकार होना चाहिए। बीजेपी का सरकार होना चाहिए। बीजेपी सरकार होना तो बीजेपी के सरकार से आप लोग खुश रहिएगा। हाँ, खुश रहेंगे। और कल्पना सोरेन कह रहे हैं कि हम लोग बहुत महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, उनको कहने से क्या होगा? उनको कहने से हमको पर का भीतर हम न जानेंगे। वो अभी उनको लेना है वोट तो कुछ भी बता सकती है, कुछ भी बोल सकती है वो अपना वोट पाने वास्ते कुछ भी। इतना दिन से कहा नहीं बोल रही थी, इतना दिन बोलना चाहिए ना उनको, तू कहा नहीं बोल रही थी। अच्छा। आज वो वोट के इलेक्शन के टाइम आया तभी बात बता रही है जी। तो महिलाएं झारखंड के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं कितना ज़्यादा तेज तरार हो गई हैं, ये दो हमारी दीदी काकी की बात को सुन के आप समझ सकते हैं। इनका यही कहना है कि नहीं चाहिए 1000, नहीं चाहिए खटाखट वाला 1000, हमारा बाल बच्चा को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। ये बात है ना? हाँ यही बात है। आए? ये बात है ना दीदी? हाँ यही बात है। क्या नाम है? हीरामन साह। हीरामन साह। हाँ। चुनाव एकदम नजदीक है, मांडू में 20 नवंबर को मतदान होने वाला है। हेमंत सोरेन के कार्यकाल को 5 वर्ष पूरा हो गया, कैसा लगा उनका काम काज? उसका काम काज काज तो अधूरा लगा। अधूरा लगा? बच्चा पढ़ाए लिखाए, जब वैकेंसी निकाला उसके बाद पढ़ा पैसा, उसका 2 साल समय मेरा फालतू गया पैसा। अच्छा। पढ़ाए लिखा बाल बच्चा तो भविष्य बर्बाद हो गया, उसका पीछे बाल बच्चा को 2 साल मैंने साल भर 6 महीना जितना मेहनत किया तो गया हराम में। पैसा नहीं, कर्जा करके पैसा देख भेजे रांची परीक्षा देने के लिए, वहाँ से आया तो वहाँ कोई काम में नहीं हुआ, तो कहा है तो ये सब सरकार का कमजोरी है। हेमंत सोरेन बोल रहे हैं अबू आवास दे रहे हैं, मैया योजना दे रहे हैं, सर्वजन पेंशन दे रहे हैं। 2 महीने में क्या होगा? 2 महीने में 1000 में आपका जीवन चल पाएगा? नहीं चलेगा। तब 1000 तो आजकल के एक दिन का खुराकी होता है इंसान का। कह रहे थे कि अब फिर अभी सरकार बनेगा तो 2500 देंगे। हमको 2500 को इतना अधिकार नहीं है, रोजी रोजगार मिले, इंसान सब खुशहाल रहे, एक पर्सनल मेरा ही नहीं पूरे जनता के। अच्छा, मतलब रोजी रोजगार। हाँ, रोजी रोजगार चले, सब पढ़ लिख के बेरोजगार है, पढ़ लिख के नौजवान लड़का सब का है, कोई दारू पी रहा है, कोई गांजा का पी रहा है, का है मजबूरी में करना पड़ रहा है, वही रोजगार मिलेगा, अपना लगल रहेगा, अपना कमाएगा खाएगा, अपना जीवन व्यापित करेगा। हाँ, विधानसभा चुनाव में क्या आप किसकी सरकार चाहते हैं झारखंड में? अब देखिए ये समय अथी में अब चट मांगनी पट ब्याह वाला खेला है, तो अब तो खेला वाला है तो थोड़ी हो जाएगा कि जो मतलब इंसान समझता है बुझता है कि किसको देना। कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल से खुश नहीं है। हाँ। तो ऑप्शन क्या है आपके पास फिर? जो आएगा अच्छा कार्य करेगा उसी दिया जाएगा। तो कौन आ रहा है यहाँ? अब देखिए अभी तो कोई किसी की चर्चा नहीं है। चर्चा का नहीं, आशु को टिकट मिल गया यहाँ से? सब आशु टिकट मिले तो आशु काम करेगा, वैसा तब नहीं मिलेगा। अच्छा। अब जिसको समझ में आएगा, हम एक वोट का अधिकार है लेकिन पूरे जनता तक तो मालिक नहीं। सरकार किसकी चाहते हैं झारखंड में? वो तो यहाँ पर विधायक, झारखंड में सरकार किसकी चाहते हैं, जेएमएम या बीजेपी की? देखिए जिसकी और जनता पर निर्भर है, हमारा पर निर्भर। आप तो जनता ही ना है, एक जनता से क्या? आप एक जनता का हमारा जानना चाहते हैं?
जानना चाहते हैं जैसे बीजेपी दे रहा था वैसे चलेगा आपका करें। अच्छा बीजेपी दे रहा था वैसे चलेगा। आइए ए काका इन्हें आओ ना तू उन्हें रोडवा पर बढ़ी तू इन्हें आवे ने बतियाबो तोरा से सुन ना दो मिनट बतिया लेबू तो का हो जे तो तुहू एकदम तबियत खराब बोले में तोरा नखो तबियत खराब हो सुन ना हेमंत सोरेन के जाने है। हेमंत सोरेन के जानो ही है। कौन है हेमंत सोरेन? हमर मुख्यमंत्री है। कैसन काम कर ले? ठीके कर किया है। ठीक है कैले तो आपकी बार हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री चाहत बड़ी की बदलब है? अब देखिए अब समय बताएगा। अच्छा, समय बताता हूँ। और 1000 रुपया घर में मैया बहनिया के मिले थो 1000 टका? हम लोग को नहीं मिलता है। अब आवास मिल लो? नहीं नहीं मिल लो। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पढ़ते हैं? यस सर। कौन से अभी कहाँ पढ़ क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी बीए कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कर रहे हैं? जी सर। वर्तमान में जो है हेमंत सोरेन की सरकार खत्म हो गई है क्योंकि अब आचार संहिता लागू हो गया है। मांडू में 20 नवंबर को मतदान होगा। हेमंत सोरेन के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? हम हेमंत सरकार के कार्यकाल से एक जरा भी खुश नहीं है। क्यों नहीं है खुश आप? किसी और से नहीं है। अच्छा। ना हमारे चाचा एवं बुजुर्ग खुश भी नहीं है, ना हम स्टूडेंट वर्ग के विद्यार्थी वर्ग के युवा भी खुश नहीं है। अब कारण है कि सभी को रोजगार सही वक्त पर और सही रोजगार मुहैया जिस सरकार द्वारा किया जाए, हम सब उस सरकार का मतदान करके आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम है दादा? गोकुल साहब। गोकुल साहब, चुनाव नजदीक है मालूम है ना? 20 तारीख को फटाक से मतदान करने जाइएगा। किसकी सरकार चाहते हैं झारखंड में? बीजेपी का। बीजेपी का क्या है? हेमंत सोरेन काम नहीं किया है? कारण बता रहे कि आपका जो मैया योजना कर दिया सबसे कोढ़िया वाला काम कर दिया, वही रोजगार दे देता है। हाँ। तो आदमी का अच्छा घर द्वार सब चलता है। अच्छा। हाँ, 1000 रुपये क्या होने वाला? कम से कम 5000-10000 रुपये कमाता है अपना पढ़ी लिखी हुई। हाँ। तो अपना बाल बच्चा भी देख लेता है। इलेक्शन में अब कर दिया 1000 मैया योजना, सबको आदमी कोढ़िया कर दे रहा है। अच्छा। वही रोजगार दे देता है। 4.5 साल मुख्यमंत्री बनने से पहले उसका तारीफ भी रहता, आने वाला सरकार उसको कोई हिला नहीं सकता था। अच्छा। हाँ, तो मैया योजना देकर कोढ़िया कर दिया है। हाँ, सबको कोढ़िया कर दिया। हाँ। महंगाई बढ़ गया। अच्छा। हाँ, महंगाई बढ़ गया है। हाँ। तो मांडू में आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? जिसका टिकट मिल जाए बीजेपी का उसी का देखेंगे। अच्छा, मतलब जो भी बीजेपी का होगा उसको दे दीजिएगा। अभी तो निश्चित नहीं हुआ कौन। अभी आजसू के टिकट मिला है बीजेपी के गठबंधन में, आजसू है। हाँ। तो उसको आप लोग चाह रहे हैं? हाँ। हेमंत सोरेन का एक आध को काम अच्छा लगा हो जो 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं? वो तो बाद में किया, एक दूसरे का देखा देखो, जैसे पंजाब में कर दिया। हाँ। तब किया, और 4.5 साल पहले कहा नहीं किया था? अच्छा। गरीबी आदमी को कर देता कुछ तो राहत आता है ना, इलेक्शन कुछ भी कर सकता, कुछ भी लुटा सकता। क्या नाम है? अमन कुमार। अमन जी पढ़ाई करते हैं? क्या पढ़ रहे हैं अभी? अभी इंटर दिए हैं। इंटरमीडिएट कर रहे हैं? आर्ट्स में या साइंस में? कॉमर्स में। कॉमर्स में। तो क्या बनना चाहते हैं पढ़ के? बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर। तो सरकारी नौकरी ले पाइएगा जिस प्रकार से पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है? नहीं। वर्तमान सरकार हेमंत सरकार के कार्यकाल को 5 वर्ष पूरा हो गया, 20 नवंबर को मांडू में मतदान है। हेमंत सोरेन के कार्यकाल से कितना खुश है आप? हम तो खुश नहीं है। खुश नहीं है का है? ये पढ़ाई लिखाई चल नहीं रहा अच्छा से, पेपर लीक हो जा रहा है, एग्जाम देते हैं। अच्छा, पेपर लीक हो जा रहा है। तो किसकी सरकार चाहते हैं झारखंड में? बीजेपी। बीजेपी की चाहते हैं। चलिए, इनको बीजेपी की सरकार चाहिए। आप दर्शक कमेंट करके बताइए कि आप झारखंड में किसकी सरकार चाहते हैं, क्योंकि आप ही सर्वो सर्वा हैं, सब कुछ हैं। आप ही के बदौलत जो है लोग विधायक बनते हैं, नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं। बाकी हम लोग चुनावी दौरा में हैं, लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि क्योंकि बहुत ही जल्दी जो है झारखंड में चुनाव होने वाला है, 2 चरण में मतदान होने वाला है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।